महिला कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रगति बाजपेयी ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर लोकसभा चुनाव में महिला मतदाताओं को साधने नारी न्याय गारंटी में कांग्रेस ने 5 घोषणाएं की। पहला महालक्ष्मी गारंटी के तहत हर गरीब परिवार की एक एक महिला को हर साल 1,00,000 रुपए की मदद मिलेगी। दूसरा आधी आबादी पूरा हक, इसके तहत केंद्र सरकार के स्तर पर होने वाली नई अधिकांश भर्तियों पर महिलाओं का अधिकार होगा। तीसरा शक्ति का सम्मान, इसके तहत आंगनवाड़ी आशा और मिड डे मील कार्यकर्ताओं की मासिक आय में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना किया जाएगा। चौथा अधिकार मैत्री, इसके तहत महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उनकी मदद के लिए हर पंचायत में एक पैरालीगल की नियुक्ति की जाएगी। पांचवा सावित्री बाई फूले छात्रावास, भारत सरकार जिला मुख्यालयों पर कामकाजी महिलाओं के लिए कम से कम एक छात्रावास का निर्माण करेगी। देश भर में इन हॉस्टलों की संख्या दोगुनी की जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6200 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है, वो मुख्य 5 स्तंभ पर आधारित थी। आज नारी न्याय को लेकर राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में एक मुख्य स्तंभ नारी न्याय को रखा था। 5 नारी न्याय के लिए वो गारंटी लेकर आए हैं, जिन्हें हम आज आप सभी के सामने बताएंगे कि उन 5 जो गारंटी है राहुल गांधी जी की, यदि कांग्रेस की सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार केंद्र सरकार कांग्रेस की बनती है, तो वे 5 गारंटियां कौन कौन सी हैं और उनसे क्या महिलाओं को लाभ होंगे। पहला है 1,00,000 रुपए हर गरीब परिवार की, हर एक महिला को 1,00,000 रुपए की दिया जाएगा, वे उनको हर साल 1,00,000 रुपए एक महिला को दिया जाएगा। यदि आप देखें तो महीने का 8,333 रुपए होता है। आज के इस दौर में, इस देश की जो स्थिति है, आप सोचिए क्या किसान की जो आय है, यदि आप पंजाब और हरियाणा को छोड़ दें तो किसी भी देश में किसान की आय इतनी है, तो ये बहुत बड़ी गारंटी है। यदि हम केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनते ही 1,00,000 रुपए देते हैं तो महिलाएं सबल होंगी, रोजगार मिलेगा, कुपोषण दूर होगा। दूसरी हमारी जो गारंटी है वो है आधी आबादी पूरा हक। निश्चित तौर पर जो महिलाएं हैं वो आधी आबादी हैं और 30,00,000 पद इस देश में सरकारी नौकरियों के खाली हैं। यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो वे जो रिक्त पद हैं वे भरे जाएंगे और उनमें आधी महिलाएं होंगी। ये हमारी दूसरी गारंटी है। तीसरी गारंटी है शक्ति का सम्मान। जो आशा कार्यकर्ता बहने हैं, जो आंगनवाड़ी की बहने हैं, मिड डे मील बनाने वाली बहने हैं, उनके वेतन में जो केंद्र सरकार का कुछ हिस्सा होता है, जो उनको वेतन दिया जाता है, उसमें वो वेतन दुगना किया जाएगा। तो यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो इन आशा कार्यकर्ताओं का जो वेतन है वो महीने का वेतन 25% तक बढ़ जाएगा। हमारी जो चौथी गारंटी है वो है सावित्री बाई फूले योजना के अंतर्गत हॉस्टल दिए जाएंगे। 780 जिला मुख्यालय हैं इस देश में और हर जिला मुख्यालय में एक हॉस्टल दिया जाएगा जिसमें कामकाजी महिलाएं रहेंगी। तो निश्चित तौर पर यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो महिलाओं के लिए ये गारंटियां हैं जो राहुल गांधी जी लेकर आए हैं। अधिकार मैत्री, 5वीं गारंटी अधिकार मैत्री। आज पंचायत में बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती है ग्रामीण स्तर पर, शहरी स्तर में, जिन्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती, तो कांग्रेस की सरकार बनते ही एक अधिकार मैत्री की नियुक्ति होगी ग्राम पंचायत स्तर पर और वे अपने अधिकारों को जान पाएंगी। तो ये 5 गारंटियां हैं। आप सभी जानते हैं कि स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने पंचायती राज लाया था, जिसके कारण आज देश की महिलाएं पंचायत से लेकर उच्च सदन तक अपनी आवाज उठा रही। तो वैसे ही राहुल गांधी जी जो आधी आबादी को लेकर लड़ रहे हैं, आधी आबादी के लिए जो न्याय लेकर आए हैं, इस गारंटी को महिला कांग्रेस घर घर तक पहुंचाएगा, तो आप देखेंगे कि कैसे इस देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण की सिर्फ बात की, सदन में ढोल बजे, मिठाइयां बटी, सब हुआ। क्या वो लागू हुआ? नहीं हुआ। और उसके आप दूसरे तरफ देखिए कि राहुल गांधी जी ने न्याय गारंटी जो 5 ये लेकर आए हैं और कांग्रेस पे जनता का विश्वास है, तो निश्चित तौर पर 2024 में हम इन गारंटियों को घर घर तक पहुंचाएंगे और इस देश की तस्वीर बदलेंगे। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस